हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स हॉट 30i एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम, आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके फ़ोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। ठीक है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है वो कभी कभार प्रॉपरली ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको अपने फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको फोन का ना सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये रीसेट ऑप्शन पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे टैप करना है। यहां पर आपको सबसे नीचे रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपको अगले पेज में फिर से रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। तो आपको जो है नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखिए नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आप जो है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपके फोन में जो कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब यहां पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है अपने फोन की एपीएन सेटिंग को आपको रीसेट करना है। ठीक है, एपीएन सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड, ऊपर की साइड ये अपनी सिम सेलेक्ट करनी है। अब यहां पर आपको अगले पेज में नीचे की साइड ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है। यहां पर आपका एपीएन का पेज मिलेगा। एपीएन के इस पेज में सबसे ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन टैप करना है। एक पेज ओपन होगा छोटा सा, इसमें आपको रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करना है। आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखिए रीसेट डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग। तो आप फोन की एपीएन सेटिंग को इस तरीके से रीसेट कर देंगे तो आपके फोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना ये है कि आपको जो ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले ना मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है ना मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग पेज ओपन करेंगे, इसमें आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये सिस्टम अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। तो आपको जो है ना इस वाले पेज में अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके जो फोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए आपको अपने फोन को रीस्टार्ट करने के लिए फोन का ना साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, इसे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से यह होता है हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर जो है ना आपको सबसे आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए आपको जो है मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये ऊपर रीसेट ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। यहां पर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही फोन को रीसेट करना है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस बताए सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं तो इससे आपके फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।